में हम आपको बताएंगे कि WhatsApp पे कोई मैसेज आता है तो लेकिन आपको पता नहीं चलता है, तो फिर इसको कैसे सही करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है कि WhatsApp पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप WhatsApp पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ऊपर में आपको दिखाई देगा आइकन, आइक आइकन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर इस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में हम जाते हैं, और सेटिंग्स में जब जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है यहाँ पे ऐप्स में, और ऐप्स में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है, ढूंढ लेना है कि व्हाट्सअप कहाँ है। तो इस तरीके से जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है कहाँ है व्हाट्सअप, 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 तो आपको देखना है कि व्हाट्सअप कहाँ है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है व्हाट्सअप। तो व्हाट्सएप पे आप जैसे जाएंगे तो व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे जैसे जाएंगे तो आपका सब नोटिफिकेशन यहाँ से अलाउ होना चाहिए। तो जैसे आप अलाउ करेंगे नोटिफिकेशन को तो यहाँ पे अलाउ हो जाता है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका भी कर लेना है। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको फिर से चले जाना है अपने व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट में, और थ्री डॉट में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस में जाने के बाद ऊपर थ्री डॉट राइट साइड में दिखाई देता है, इस पे जाना है, और इस पे जाने के बाद रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे क्लिक करना है और रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आने लगेगी, कोई भी मैसेज आएगा तो पता चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार अपने व्हाट्सएप को भी प्ले स्टोर में जा करके अपडेट कर देना है, और अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल में जो भी नोटिफिकेशंस है वो आएगी और आपको पता भी चलेगा। तो इसका यही तरीका है, यही सोल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।